नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। इसी तरह अपना मेहनत जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। हाल ही में किस अरब देश ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं? तो ये बहरीन ने किए हैं। बहरीन इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश बन गया है। बहरीन से पहले संयुक्त अरब ने घोषणा की थी कि वह इसराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेगा। प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। राजधानी मनामा और मुद्रा है बहरीन दिनार। ठीक है। वर्ष 2020 में आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 125वीं जयंती मनाई गई थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। उन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1885 को बॉम्बे प्रेसिडेंस में हुआ था और इस साल उनकी 125वीं जयंती है। यहाँ पर 1985 मिस्टेक से गलती हुआ है, ठीक है, इसे हटा देना। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये लिंक्डइन के साथ। ठीक। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित राष्ट्रीय को डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीके को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के CEO और MD हैं मनीष कुमार, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। लिंक्ड इन के CEO हैं रयान रोजलेंस्की और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट स्मार्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 में कितने संकेतक हैं? तो ये 28 संकेतक हैं। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं ये श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया। इसे आवास और शहरी मामले के मंत्रालय MOHUA के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, सड़क के लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है। CSCAF में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। ठीक। इनमें से कुछ हैंगे एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडायवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। हाल ही में गृह मंत्रालय से CFCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी किसे मिली? तो ये स्वर्ण मंदिर को, ये अमृतसर में है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन बोर्ड द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो -11.5%, यानी -11.5%। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की GDP विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% के दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। सरोद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो ये मनसुख एल मंडाविया द्वारा।
केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सरोत पोर्टल सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डेप्यूटीज पोर्ट नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख एल मंडाविया हैं। क्रिजिल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया, तो ये -9%। क्रिजिल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 9% रहने का अनुमान जताया। क्रिजिल ने कोविड-19 के महामारी अनिश्चितता और भारत सरकार के पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया। इसके अलावा क्रिजिल ने FY22 के लिए भारत की जीडीपी 10% दर के से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। इंग्लिश प्रो नामक फ्री मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। भारत सरकार द्वारा जारी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो यह आंध्र प्रदेश। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात का स्थान आता है। इस रैंकिंग में दिल्ली 12वें पायदान पर है और यह बिहार 26वें और त्रिपुरा सबसे नीचे 36वें पायदान पर है। रबोबैंक की वैश्विक टॉप 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है, तो रबोबैंक के जो टॉप 20 में अमूल ने प्रवेश किया है। ये भारत की पहली कंपनी, अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनी की लिस्ट में शामिल हुई है। अमूल ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। टॉप 20 की लिस्ट में अमूल 16वें नंबर पर स्थित है। यह लिस्ट रेबोबैंक द्वारा जारी की गई है। गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन LTD GCMMF का सालाना टर्नओवर 550 करोड़ डॉलर के बराबर है। बता दें कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के बाद भी अब तक कोई भी भारत की डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। इस लिस्ट में 2,210 करोड़ डॉलर के टर्नओवर के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले टॉप पर है। हाल ही में अभी किस राज्य ने इरिडा से अपनी फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है, तो आंध्र प्रदेश ने। इरिडा का होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने की अनुमति प्राप्त की है। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में से आंध्र प्रदेश एक है जिन्होंने अपने फसल बीमा योजना को चुना है। APGIC राज्य की अपनी निःशुल्क फसल बीमा योजना चलाएगा। 1 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके किसानों को योजना के लिए 5 सितंबर तक नामांकन करना होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इरिडा कॉरपोरेशन इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया और हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। स्थापना हुई थी 1999 में। इरिडा की स्थापना में थोड़े से मुझे शंका लग रहा है, मैं दूसरी बार में आपको क्लियर करके बताऊंगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है, तो ये भारत बन गया है। भारत में एक्सप्रेस वे और राजमार्ग के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है। सड़क नेटवर्क वाला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रतिदिन सड़क निर्माण की औसत दर 30 किलोमीटर प्रतिदिन है।
जिसमें राजमार्गों के लिए प्रतिदिन सड़क निर्माण की 40 किलोमीटर की उच्चतम दर है। उन्होंने कहा कि भारत में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण यह अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपको एक खबर और दूं, श्याम शरण नेगी देश के पहले ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में सबसे पहला वोट डाला था। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में भी और कभी कभी आपको आईक्यू टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? सो वेल डन, आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बांटिए, बताइए और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि सफलता आपको अवश्य मिले, ठीक है? गुड लक, हैव ए नाइस डे।